अस्सलाम वालेकुम। ये जुलाई 1968 की बात है जब लाहौर में होने वाले एक पुलिस मुकाबले में जग्गा गुजर के मारे जाने की खबरें पाकिस्तान भर के अखबारात के सफ़ा अव्वल की जीनत बनी। ये वही जग्गा गुजर थे जिनके नाम पर जग्गा टैक्स की इस्तलाह मशहूर हुई और इनकी शख्सियत को लेकर पंजाबी जबान में मुतअद्दिद फिल्में बनाई गई। इस दौर में शाया होने वाले अखबारात और बाद अज़ां लिखी गई किताबों के मुताबिक जग्गा गुजर का असल नाम मोहम्मद शरीफ था। वो लाहौर के इलाके इस्लामिया पार्क के रहने वाले थे। इस दौर में एक मेला लगा करता था जिसमें जग्गा गुजर के भाई मक्खन गुजर का किसी बात पर लाहौर के मारूफ बदमाश अच्छा शुक्र वाला से झगड़ा हो गया था और बाद अज़ां 1954 में मक्खन को कत्ल कर दिया गया। भाई के कत्ल के वक्त जग्गा की उम्र महज 14 साल थी। भाई के कत्ल के 8 दिन बाद जग्गा ने इसका बदला ले लिया और कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर खुद जेल पहुंच गया। जेल पहुंचकर उन्हें इल्म हुआ कि कत्ल का असल मुहर्रक अच्छा शुक्र वाला था और इसी ने कातिल को इस काम के लिए आमादा किया था। चनाचे जग्गा ने जेल से ही अच्छा शुक्रवाला को कत्ल करने की मनसूबाबंदी की और इस पर हमला भी करवाया। इस हमले में अच्छा के 2 आदमी मारे गए और अच्छा शुक्रवाला जख्मी हुआ। जग्गा रिहा हुआ तो जेल से बाहर आवाम के एक जमे गफीर ने इसका इस्तकबाल किया। ये वो ज़माना था जब अच्छा शुक्रवाला को मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद खान की मुबैना सरपरस्ती हासिल थी। हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे हों या बदमनी का कोई और वाकया, नवाब ऑफ कालाबाग के कहने पर अच्छा शुक्र वाला हालात को काबू में लाते थे। अहमद अकील रूबी ने अपनी किताब खरे खोटे में अच्छा शुक्र वाला के खाके में लिखा है कि जब तक मलक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर रहे, कुछ लोग अच्छा शुक्र वाला को छोटा गवर्नर कहते थे। गवर्नर हाउस में उनका आना जाना यूं था जैसे वो अपने घर आ जा रहे हैं। अमीर मोहम्मद खान के ज़माने में अच्छा को हुकूमत की तरफ से तमगा शराफत मिला। वो मजीद लिखते हैं कि अमीर मोहम्मद खान की गवर्नरी ख़त्म हुई तो इसके कुछ अरसा बाद अच्छा को गुंडा टैक्स वसूल करने के इल्ज़ाम में पकड़ लिया गया। अच्छा ने थानेदार से हंसकर कहा, एक ते तुहाडे कानून का पता नहीं लगता, कदी मैनू शराफत का तमगा देंदे हो और कदी गुंडा कह के गिरफ्तार कर लेंदे हो। गवर्नर मूसा खान के दौर में जग्गा को जेल से रिहाई नसीब हुई। जेल से बाहर आकर उन्होंने अपना गैंग बना लिया और लाहौर में कसाई बरादरी से जबरी टैक्स वसूल करना शुरू किया। इनकी बदमाशी का मरकज बकर मंडी का इलाका था। वो हर कसाई से एक बकरी की ख़रीदारी पर 1 रुपया वसूल करते थे। किसी में इनकार की जरूरत ना थी और जल्द ही जग्गा गुजर के नाम पर यह जबरी टैक्स जग्गा टैक्स कहलाने लगा। आज भी इस नवयत का हर जबरी टैक्स पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जग्गा टैक्स कहलाता है। हसन निसार ने अपने कालम में लिखा कि जग्गा था तो बदमाश, लेकिन इसकी ये खूबी इसे दूसरे गुंडों से मुमताज़ करती थी कि इसके घर शाम को जो टैक्स जाता था इसमें गरीबों और बेवाओं का हिस्सा भी होता था। इस ज़माने में लाहौर के SSP हाजी हबीबुर रहमान ने मुनीर अहमद मुनीर को दिए गए अपने एक तवील इंटरव्यू में बताया कि जग्गा की बदकिस्मती का आगाज़ उस दिन हुआ जब उनका सामना मजंग में फलों की दुकान पर लाहौर के डिप्टी कमिश्नर फतेह मोहम्मद खान बदयाल से हुआ। बदयाल साहब ने देखा कि फलों की दुकान पर एक जीप आकर रुकी। इसमें से एक शख्स उतरा जिसके आगे पीछे 6-7 मसल्ला अफराद थे। उस शख्स ने फलों की दुकान का रुख किया। दुकानदार ने बदयाल साहब को नज़रअंदाज करके इस शख्स को सलाम किया। जग्गे ने अपने मखसूस अंदाज में हाथ हिलाकर जवाब दिया। फलों की चंद टोकरियां और शरबत की 3-4 बोतलें अपनी गाड़ी में रखवाईं और पैसे दिए बगैर वहां से रवाना हो गया। बदयाल साहब के लिए ये मंजर नाकाबिले यकीन था। उन्होंने दुकानदार से पूछा कि यह शख्स कौन था। दुकानदार ने कहा कि आप लाहौर के नहीं लगते, ये जग्गा बादशाह था, लाहौर का असल बादशाह, सारे लाहौर पर इसका हुक्म चलता है। बदयाल साहब मजीद हैरान हुए। उन्होंने सोचा लाहौर का DC
तो मैं हूँ, ये बादशाह कहाँ से आ गया? वो घर जाने की बजाय वहां से मजंग थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस एहलकारों को अपना तारुफ करवाया, पूरा वाकया सुनाया। पुलिस एहलकार खामोश खड़े रहे। कुछ देर बाद एसएचओ ने कहा कि मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है। बदयाल साहब ने कहा कि गलतफहमी की क्या बात है, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। असल एसएचओ तुम हो, असल अफसर एसएसपी है या डीसी है? यहाँ गुंडों का राज है, मैं तो सुनता आया था। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यहाँ असल हाकम तो कोई और है। एसएचओ वहाँ उसी वक्त बंदियाल साहब को उसी फलों की दुकान पर ले गया। दुकानदार एसएचओ को देखकर खड़ा हो गया और एसएचओ ने दुकानदार से बंदियाल साहब का तारफ करवाया और दरियाफ्त किया कि क्या अभी जगह नाम का कोई शख्स यहाँ से मुफ्त फल लेकर गया है? दुकानदार ने कहा, इस नाम का कोई शख्स यहाँ से कोई मुफ्त में फल नहीं लेके गया। बंदयाल साहब ये बात सुनकर हैरान हुए। वो समझ गए कि एसएचओ और इनकी मौजूदगी में दुकानदार हकीकत नहीं बताएगा। हाजी हबीबुर रहमान ने बताया कि अब बंदयाल साहब ने मुझे बुलाया और सारा वाकया सुनाया। मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि आपने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देख लिया। एसएचओ भी कह रहा है कि आपको गलतफहमी हुई है और दुकानदार ने भी यही कहा है कि वहां इस नाम का कोई शख्स आया ही नहीं। ये है इन गुंडों की दहशत। बदयाल साहब ने कहा कि ये मामला ऐसे नहीं चलेंगे, हमें इन गुंडों से निपटना पड़ेगा। पुलिस के महकमे में मौजूद मुखबरों की मदद से ये इत्तला जगह गुजर तक भी पहुंच गई कि अब लाहौर के इंतजामिया इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाली है। एक दिन जगह गुजर हाजी हबीबुर रहमान के दफ्तर पहुंच गया, चिट भेजी मोहम्मद शरीफ उर्फ जगह, इसके साथ इसका दोस्त और दस्ते रास्त रियाज उर्फ राजू गुजर भी था। जग्गा गुजर ने कहा कि वो पुलिस के लिए काम करने के लिए तैयार है, बस इसकी जान बख्शी कर दी जाए। जग्गा ने रिश्वत की पेशकश भी की और दीगर तरगीबात भी दी, मगर हाजी हबीबुर रहमान साहब ने इसकी मदद करने से इनकार कर दिया। गिरफ्तार इसलिए नहीं किया कि वो इस वक्त जमानत पर रहा था। हबीबुर रहमान के मुताबिक जग्गा सूरत हाल को भांपते हुए पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर चले गया और उसके बाद पुलिस ने प्लान बनाया कि जग्गा को वापस बुलाकर उसका इनकाउंटर किया जाए। यह जुलाई 1968 की बात है। जग्गा गुजर का घर नवाकोट थाने के हदूद में बकरा मंडी के इलाके में था। पुलिस ने अपनी पोजीशन संभाल ली। जग्गा गुजर घर के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें ललकारा और पूछा वो कौन है। जग्गा के साथ राजू गुजर भी था। इससे पहले कि जग्गा पुलिस को कोई जवाब देता, राजू गुजर ने पुलिस पर फायर खोल दिया। पुलिस ने एक मरतबा फिर जग्गा को हथियार डालने का हुक्म दिया और जान बख्शी का ऐलान किया, मगर जब हुक्म की तामील ना हुई और राजू गुजर ने दोबारा पुलिस पर फायर किया तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग करके इसे और जग्गा गुजर को हलाक कर दिया। पुलिस की टीम में DIG साहिबजादा रऊफ अली के अलावा सब इंस्पेक्टर मियां सुल्तान अनवर और राजा मोहम्मद इकबाल शामिल थे। मुमताज दानश्वर और अदीब जनाब बाकर अली शाह ने एक गुफ्तगू में बताया कि जग्गा गुजर और रियाज गुजर DIG चौधरी मोहम्मद अल्ताफ की गोली से हलाक हुए थे और इस कार्रवाई में खुद भी वो जख्मी हुए थे। बाद में लोग उन्हें अल्ताफ गुजर कहने लगे थे। चौधरी मोहम्मद अल्ताफ ने मियाँ नवाज शरीफ के दौर में अहमद मुख्तार और मोहतमा बेनजीर भुट्टो के दौर में मियां मोहम्मद शरीफ को भी हथकड़ी लगाई थी, जिसकी वजह से वो दोनों हुकूमतों में महदूब रहे। चौधरी मोहम्मद अल्ताफ लाहौर में क्याम पजीर हैं। अगले दिन पाकिस्तान भर के अखबार जग्गा के कत्ल के इस वाक़े से भरे हुए थे। हाजी हबीबुर रहमान ने बताया कि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जग्गा मर चुका है। इसकी लाश देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। बकर मंडी से शहर तक लोगों की कतार थी जो जग्गा की लाश को देखना चाहते थे। हुकूमत ने जग्गा को हलाक करने वाली पुलिस पार्टी को नकद इनाम से भी नवाजा और उन्हें तमगे भी अदा किए, मगर लाहौर के आवाम दिलों से जग्गा गुजर और इसका लगाया हुआ जग्गा टैक्स मिटाया ना जा सका। 1980 और 1990 की दहाइयों में लाहौर की फिल्मी सन्नत में जग्गा गुजर के मौजू पर कई फिल्में बनी, जिसमें से बेशतर में जग्गा का किरदार सुल्तान राही ने अदा किया। इन फिल्मों में जग्गा वैशी गुजर, जग्गा गुजर पुत्र जग्गेदा और जग्गा टैक्स के नाम से सरे फहरिस्त हैं।